आज हमारे साथ मौजूद है चेत। आई एम गुड, ऑल गुड सर, प्लीज कैरी ऑन। आज हमारे साथ मौजूद है चेतन बिस्ट, ये बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, हल्द्वानी में है और एक अपना जिम रन करते हैं आप, मैट्रिक्स जिम, जो कि कॉल्टेक्स रोड पे काठगोदाम एरिया में हल्द्वानी के, ये बहुत अच्छे तरीके से जिम चला रहे हैं और वहां पर युवाओं को और जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उन्हें भी फिटनेस के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन की गुणवत्ता बहुत बढ़ सके। और साथ ही ये अपने यूट्यूब चैनल इट्स अंडरस्कोर चेतन बिस्ट के जरिए भी युवाओं को और जो भी फिटनेस की चाह रखने वाले लोग हैं उनके बीच में भी फिटनेस को भर भर के भेज रहे हैं। और आज ये मेरे साथ हैं यहाँ पर, कोई एक ऐसा विषय लेकर के हैं जिस पर ये बात करना चाहते हैं जो कि फिटनेस से रिलेटेड ही है, और हम सब आपके साथ हैं कि आप लोग भी सुन लें हमारी चर्चा को। वेलकम। हेलो सर, कैसे हैं आप? आप चेतन, मैं बहुत फिट और सुंदर और हैंडसम है। सर एक क्वेश्चन है मुझे आपसे, मोस्टली लोगों का रहता है, ठीक है, विंटर्स का टाइम चल रखा है, आपने देखा ये क्राउड कैसा हो गया, वो आएंगे नहीं जिम, बट मोस्टली क्वेश्चन उनका हमेशा पुट अप रखेंगे व्हाट्सएप करके, सर कुछ तरीका है कि मैं घर पे ही कुछ कर सकूं या वेट कम कर सकूं? और आपको पता ही है विंटर्स में कितना वेट बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है, हम तो यहाँ टी शर्ट डाले रहते हैं, स्वेटर डाले रहते हैं, अंदर वेट बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, पता नहीं चलता क्योंकि इतने सारे कपड़े पहने होते हैं लोगों ने। हाँ, और उस समय जब 3 महीने बाद कपड़े उतरते हैं, समर्स आते हैं, फिर पता चलता है भैया क्या करिए आपने, तब कह सकते हैं कि अपनी हैसियत हमें समझ में आती है। यही चीज यही है, तो सब लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू, सर आजकल तो विंटर्स हो रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ऑफिस का टाइमिंग भी जल्दी हो गया है, शाम को लेट आवर्स हो जाते हैं और वहां पर भी ऐसा रहता है कि कब पहुंचे, कब खाएं, कब करें, तो उनका मिसमैच होता है सब कुछ, ना खाने का डे शेड्यूल बन पाता है, ना रात की नाइट का क्या खाना है करके बन पाता है, डे छोटे होने की वजह से उनका सारा खाना पीना एक हो जाता है। तो वो हमेशा मुझसे कहते थे सर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, ठीक है कि हम कर सके घर पे ही बैठ के, आप हमें इसके बारे में गाइड कर दीजिए करके। अब मैं उनसे कहता हूँ, बता तो देता हूँ मैं, लेकिन वो फिर अपना दिमाग लगाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अब क्या करते हैं फालतू में उठपटांग हरकतें करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम पर, के नाम पे, और कभी कब कभी 12 घंटे तक नहीं खाएंगे, फिर उसके बाद ठूस ठूस के खाएंगे। तो मैं उन्हीं सभी के लिए आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं सर, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है। देखिए आप सीनियर हैं, आप उनको शायद मुझसे नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत नहीं समझा पा रहा हूं मैं उनको, प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपके समझाने का तरीका बहुत अलग है और आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोशिश ये नहीं करके मैं भी नहीं समझाता हूँ, लेकिन नहीं समझ पाते कुछ चीजें, यू आर डूइंग गुड यार, हाँ, तो थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं समझ पाते हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए करके, कैसे करें इंटरमीडिएट फास्टिंग, किस तरीके से करें, जो आपके गैप्स रहते हैं जिस समय आपको खाना फिलअप करना पड़ता है या फूड कब लेना है कब नहीं लेना है, ब्रेक इवन क्या प्रोसेस रहती है, आप मुझे उसमें गाइड करिए थोड़ा, ताकि मैं उनको भी समझा सकूं और साथ ही साथ हम तो समझ ही रहे हैं यहाँ पर आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो सभी के लिए हो जाएगा एक चीज। ठीक है चेतन, हम कोशिश करते हैं, आपके भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंटेल्स हैं जो कि चाहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, मतलब कि आपने जैसा कहा कि जाड़ों का समय है और बिल्कुल वेल्ले टाइप के हो रखे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, मेहनत से कोई मतलब नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उनसे मेहनत नहीं करवा सकती है, तो वो ऐसे ही घर बैठे बैठे कुछ करना चाह रहे हैं, ये सोच करके उन्हें लग रहा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो वेल्लापंती के साथ ही हम उनके वेट को लूज कर देगी, और जिमाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में इस तरीके से बताऊं कि आपके भी वो क्लाइंटेल और बाकी भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग इस बात को समझ पाए कि वाकई में इंटरमीडिएट फास्टिंग है क्या, और फिर वे सोच पाए कि उन्हें कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या जिम आना है या नहीं आना है, और घर में बैठ के करना है या नहीं करना है। Yes, चेतन, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, फास्टिंग तो वर्ड खुद ही अपने आप में कह रहा है कि फास्टिंग का मतलब कि व्रत लेना है हमने, और वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका रहा है, जब से ह्यूमन इवेल्युएशन होता रहा मानव के विकास के साथ साथ ही, क्योंकि शुरू में तो हम देखेंगे कि मानव शिकार पे बेस्ड था, तो शिकार करता था, उस समय तो ऐसे स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, रेफ्रिजरेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं था कि उन्हें थ्रू आउट द ईयर या हर समय जो है खाना मिलेगा, तो ऐसा अक्सर ही होता था कि उन्हें फास्ट करना होता था, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो व्रत में चले जाते थे, तो एक नेचुरल सा ह्यूमन के विकास के साथ साथ ही एक नेचुरल सी चीज है जो मानव में आती गई कि यार व्रत तो करना है, कोई बड़ी डेंजरस चीज नहीं है कि व्रत करना, तो उसी फास्टिंग को लेकर के थोड़ा सा प्लानिंग वे में इंटरमीडिएट फास्टिंग को ले आए,
लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये एक डाइट है, लेकिन ये डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। ये ईटिंग पैटर्न है जो कि कहना चाहिए कि फास्टिंग और फूडिंग पीरियड की साइकिल है। लोग अक्सर समझते हैं कि क्या खाना चाहिए, ये क्या खाना चाहिए से संबंधित नहीं है, ये व्हाट टू ईट नहीं, व्हेन टू ईट आपने कब खाना है। और फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें तो जैसा आपने कहा कि लूज वेट लूज करने के लिए, हालांकि उसके कुछ और भी इम्पैक्ट हैं, कुछ बेनिफिट हैं, नेगेटिव साइड भी है सर इसमें। हाँ, और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव में तो यह है कि साइंस ये कहती है, रिसर्च कहती है कि वेट लूज करने के अलावा ब्रेन हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है इससे। तो लेकिन जो फिटनेस इंडस्ट्री है, जो पॉपुलर हो रहा है, ये पॉपुलर इस वजह से हो रहा है कि वेट लूज करने में हेल्प करता है। हाँ, क्योंकि मोटापा तो बहुत बढ़ती हुई समस्या है, और अपने काम के साथ मेहनत ना करनी पड़े वो साथ ही साथ हो जाए, ऐसा है। जिम भी ज्वाइन ना करे, पैसे बच जाए। मैं तो आपसे कहूं कि कल ही मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया, तभी मुझे ध्यान भी आया इस बात का। चेतन, व्हाट्सएप मैसेज आया एक पुराने स्टूडेंट का मेरे, कि सर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस प्रकार से कुछ। तो तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग, और आपने भी मुझसे चर्चा की, तो हमने कहा आप लोगों को भी हम सबसे साथ इस बारे में बात कर लें। जो ये पॉपुलर है, इसमें मेथड जो है किस तरीके से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, इस पर लोगों पर शंकाएं और संदेह रहते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। जो पॉपुलर तरीके हैं इसके, जो हम लोग अप्लाई करते हैं अक्सर, वो है कि तीन तरीकों की मैं बात करूंगा जिन्हें हम लोग अप्लाई करते हैं। उसमें एक तो है कि 16:8, मतलब कि आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स आपका फूडिंग पीरियड रहता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि दिन के 1 बजे से रात के 9 बजे तक आप फूडिंग पीरियड में हैं, 8 घंटे के लिए उसमें आप खा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 16 घंटे हैं उसमें आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे हैं इस तरीके का। तो ये 16 और 8 वाला पैटर्न है। एक पैटर्न ऐसा है कि जिसमें 24 आवर्स के लिए आप फास्टिंग करते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं कि आप 24 आवर्स वीक में आपने किसी एक दिन या फिर 2 दिन भी, आप 2 दिन तक जा सकते हैं कि 2 दिन आपने फास्टिंग की, लेकिन वो नॉन कंजिक्यूटिव डेज हैं आपके, लगातार 2 दिन फास्टिंग नहीं कर रहे हैं आप। हफ्ते में आपने बांट लिया, सोमवार को किया तो फिर आपने थर्सडे के दिन आप फास्टिंग में हैं 24 घंटे का, मतलब इसमें ऐसे समझेंगे कि आज आपने डिनर कर लिया और कल डिनर तक कुछ नहीं खाया, फिर आपने सीधे डिनर किया, तो ये 24 आवर्स की फास्टिंग है। तो ये भी एक तरीका है करने का। इसे ईट स्टॉप एंड ईट भी कहते हैं। और एक तरीका ऐसा है जिसको हम कह रहे हैं कि 5:2 डाइट। उसमें क्या करते हैं कि हफ्ते में आप 2 दिन ऐसे, जो कि नॉन कंज्यूटिव डेज ही होंगे, लगातार नहीं होंगे, 500 से 600 कैलोरी खाते हैं आप, केवल 500 से 600 कैलोरी की डाइट लेते हैं पूरे दिन भर में, और रेस्ट ऑफ द डेज में आप नॉर्मल डाइट ले रहे होते हैं। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताए कि जो लोग हैं वो इन तीन तरीकों से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि ये वेट लूज कैसे कर रहा है, आप ये देखेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है कि वेट लूज कैसे हो रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग से। तो सीधी सी बात है कि आप कैलोरी कंजप्शन कम कर रहे हैं, जो बेसिक फंडा है, जो मोटा मोटी बात है इसके अंदर, क्योंकि आप 8 घंटे के लिए खा रहे हैं। लेकिन आपने ही जैसा कहा कि लोग फिर जो उनका फूडिंग टाइम है उसमें दबा के खा लेंगे, हपक के खा लिया उन्होंने, ये चीज हमें देखनी होगी। हम रेस्ट्रिक्ट फूडिंग पीरियड को कर रहे हैं 8 घंटे के लिए, अदरवाइज तो आप पूरे दिन भर खाते रहते हैं 10 से 12 घंटे के लिए, 13, 14, 15, 16 घंटे आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने 8 घंटे कर दिया अगर, या 24 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस 8 घंटे में जो 16 घंटे नहीं खाया था उसकी पूर्ति कर देंगे, आप हपक के खा लेंगे, ये गलत तरीका हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि उस 8 आवर्स में जो नॉर्मल खाते हैं आप उतना खाएंगे, उतना ही खाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत भूख लग गई और आप इस तरीके से खा रहे हैं। सर, ये हो भी जाता है अगर लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना, और अगर वो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाए तो उनका क्या है कि वो भूख, आपको पता ही एक्सरसाइज के बाद कितनी ज्यादा लग जाती है। ठीक है, हमारे अंदर का जो जानवर होता है खाने वाला, वो जाग जाता है। तो क्या करते हैं, एक ही टाइम में हमारी जो सेटिंग होती है उसी समय हम इतना खा लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना खा लिया। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जैसे आपने कहा कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं, ये तो अच्छी बात है कि लोग एक्सरसाइज से उस टाइम पे जुड़ते हैं। कई लोग तो वेले रह करके चाहते हैं कि केवल फास्टिंग कर लें और ऐसा कर लें। तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं, मान लिया कि 1 से 9 बजे के बीच में तो उनका फूडिंग पीरियड है, लेकिन वो सुबह के टाइम पर आकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो तो फास्टिंग पीरियड था उनका, तो वहां पर
एक सप्लीमेंट BCAA करके मिलता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, उसे लेकर के वो जो है अपना वर्कआउट कर सकते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो लोग कर रहे हैं जो वेट को लूज करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, और जो जिम नहीं आ रहे हैं ऑलमोस्ट, या तो जिम में जिम आने वाले भी कर सकते हैं, उनको अच्छा इंपैक्ट मिलेगा। और देखो फिजिकल एक्टिविटी तो हमेशा अच्छा ही करेगी जी, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन है ये, कि बेनिफिट ज्यादा रहेगा मतलब। हाँ, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं, आने वाला तो कम से कम फिजिकल एक्टिविटी से कैलोरी बर्न कर ले रहा है। अब कैलोरी बर्न देखो आप इसमें कि कैलोरी कंजप्शन उसने कम किया, इस वजह से उसका क्या है कि वेट लूज हो रहा है। दूसरा साथ ही क्या होता है, जब जो फास्टिंग है, फास्टिंग क्या करती है कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, इंक्रीज कर रही है, और साथ ही जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसे इम्प्रोवाइज कर रही है, यानी कि इंसुलिन लेवल को डिक्रीज कर रही है। तो ये दोनों मिलकर हमारे अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि आप जो बॉडी है आपकी वो फैट की तरफ उसकी एक्सेस ज्यादा हो जाती है। तो ये सिस्टम जो अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब आप ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाएंगे तो आपके सेल्स लेवल पे भी चेंजेस होंगे। मतलब वही हो गया, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा बाहर से तो बॉडी अपने को ही कंज्यूम करना स्टार्ट करती है, और कंज्यूम हाँ। में मोस्टली वो होता है कि फैट को पहले यूज करा जाए, क्योंकि फैट देखो एक रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड है। और हम अगर अपनी लाइफ में भी देखें चेतन, तो जब लगता है कि आगे कोई कंटिजेंसी आ सकती है, मतलब आपातकाल हो सकता है यार, तो हम उस समय क्या करते हैं, पैसे को बचाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। यानी कि रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही बॉडी ने भी फैट को जो है अपने अंदर रिजर्व करके रखा है, कब के लिए, बाद के लिए, जब हमें एक्सट्रीम जब हमें खाना नहीं मिला लेकिन हमें एनर्जी की जरूरत है, तो उस टाइम पर वो क्या है, फैट की तरफ ज्यादा भागने लग जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो फैट को ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो आपका फैट लूज हो रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि लूज, वेट लूज करने वाले चेतन, जितनी भी मॉडस ऑपरेंडी है, जितने भी मेथड है, उन सब में मसल लॉस तो होगा ही। मसल लॉस होगा सर, ऑफ कोर्स। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो मसल लॉस होगा ही। सर एक क्वेश्चन है आपसे, जो क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना बीच में, मतलब, और ये उस पर अप्लाई कर रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये तो बहुत गलत हुआ, वैसे नेगेटिव इंपैक्ट लाता है, क्योंकि आपका जिस समय आपके मसल क्या कहते हैं डैमेज हो चुकी है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं पर इंपैक्ट तो करेगा ही वो बॉडी पे, चाहे आपके कहते अंदर इनसाइड हो, वैसे हो, या आपका मेंटल स्टेटस हो, मतलब यू नो सब कुछ चेंज हो जाता है, आपके हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, और वो नेगेटिव इंपैक्ट के लिए पड़ते हैं। मतलब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ ज्यादा रुझान ना करके डाइट फॉलो करनी चाहिए, मतलब नहीं चेतन, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो एक्सरसाइज करने को हम अक्सर केवल ये देख लेते हैं कि हमने बहुत भारी भारी वेट उठाना है, हम केवल उस तरह, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो टारगेट बंदा है वो वेट लूज करने वाला है, पहली बात, ठीक है, उसका फैट बहुत एक्सेस में है, वो इस ओर जा रहा है। अंडरवेट बंदा इसको नहीं कोशिश करेगा, ना ही जिसने मसल गेन करना है वो इसको कर रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि जो फूडिंग पीरियड है उस बीच में भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम फास्टिंग पीरियड में ही एक्सरसाइज कर रहे हों। कोई मजबूरी है किसी की कि वो अगर जो उसका फास्टिंग पीरियड है उस समय एक्सरसाइज करनी ही है उसे, उस केस में हम कह रहे हैं कि वो BCAA ऑप्ट कर ले एक्सरसाइज से पहले, तो उसको थोड़ा बेटर होगा उसके लिए, ज्यादा नेगेटिव नहीं पड़ेगा। हाँ। और हालांकि आप बेवरेज वगैरह उस समय ले सकते हैं जो कैलोरीफिक नहीं है, जिनमें अंदर कैलोरी नहीं है, हाँ, जैसे कि कॉफी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, उसमें शुगर आपने नहीं मिलानी है, तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में अगर जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो उनको शायद वेट लिफ्ट भी हल्की करनी चाहिए या हैवी लिफ्ट्स करने चाहिए। अब यहाँ पर फिर से वही बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की ओर जाएगा वो वही बंदा होगा जिसको एक्सेस फैट है। ओके। एक्सेस फैट है तो इसका मतलब वो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं था तो वैसे ही उसकी मसल स्ट्रेंथ वैसे भी उतनी नहीं होगी। उसका जो वर्कआउट होगा वो कार्डियो स्पेसिफिक, कार्डियो की ओर ज्यादा ओरिएंटेड होगा, और हल्का फुल्का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब दोनों का बैलेंस होगा, लेकिन कम पोर्शन उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होगा, मसल ट्रेनिंग का होगा, ज्यादा पोर्शन कार्डियो वर्कआउट का होगा, तो ऑलरेडी वो कम हो जा रहा होगा। जो आप कह रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई होगा कि वो वेट कम ही ले रहा होगा, रैप रेंज उसकी ज्यादा होगी तो वेट को कम ले रहा होगा। तो मोस्टली सर ये बिगनर्स वालों के लिए ज्यादा अप्लाई होता है फिर, या तो जो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, और दूसरा जो बिगनर्स लेवल पे हैं। हाँ, आप उनके लिए नहीं कह सकते हैं, जो एडवांस हैं, एथलीट हैं, एथलेटिक हैं, बहुत गलत, वो नहीं करेंगे, वो तो हेल्दी वे को ही लेकर के जाएंगे, चूज करेंगे ऑप्शन। मैं यहाँ पर ऐसा कहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पे फिट होता हो, पहली बात।
जो बंदा जिसमें फिट होता है उसे वो करना होता है। तो हर किसी पे इंटरमिटेंट फास्टिंग लागू होगी ऐसा नहीं है, नहीं वर्क करेगा। ये कुछ लोगों पर लागू हो पाएगी। और इसमें आपने जैसा कहा कि साइड इफेक्ट की बात, तो मैं उस पर थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें नहीं भी करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन लोग होते हैं? देखो, जो भी लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कोई मेडिकल कंडीशन है, मतलब कि जैसे डायबिटीज वाले लोग हैं, या फिर जिनका ब्लड प्रेशर लो है, या फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें कंसीव करना है, जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च ऐसा कहती है कि ये जितना मेल के लिए इफेक्टिव है उतना फीमेल के लिए इफेक्टिव नहीं है। और फीमेल में ये इनफर्टिलिटी के रूप में या फिर एमेनोरिया, जिसमें कि जिनमें साइकिल मिस होने की प्रॉब्लम रहती है महिलाओं में, उनमें दिक्कत करता है, या जो नॉर्मल भी है उनमें भी साइकिल मिस करने की प्रॉब्लम कर सकता है। जब उनका मेस्ट्रुएशन साइकिल मिस होगा तो वो उनकी फर्टिलिटी पे इंपैक्ट डालेगा ऑलरेडी। और उनमें कुछ मस्कुलाइन सिम्टम भी लेकर के आ सकता है फीमेल्स में, ऐसा रिसर्च कहती है। मस्कुलाइन, हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा कर सकती है, ऐसा रिसर्च कहती है। तो इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो महिलाएं अगर कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही है वो तो ना ही करें, इसको अवॉइड करें, अवॉइड करें, हाँ, उस टाइम पे अवॉइड करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी अवॉइड करें, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें वो दूध पिलाती हैं, तो न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो महिलाएं भी अवॉइड करें। अगर उन्हें करना ही है तो वो किसी अच्छे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करें, एक अच्छे डाइटिशियन से अपना वो करवाएं। कोई अंडरवेट है तो उसे भी ऐसा ध्यान देने की जरूरत है। अंडरवेट को तो सर करना ही नहीं चाहिए, मैं कहना चाहूंगा, हाँ, सॉरी, थोड़ी माफी चाहूंगा, मेरे बहुत, हाँ, वो अंडरवेट को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अंडरवेट भी कोई अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की सोच रहा है किसी तरीके से मिसगाइड होकर के, तो उसे भी नहीं करना चाहिए। और एक कैटेगरी और हो सकती है कि जो लोग दवाई ले रहे हो किसी वजह से, तो ये जितनी कैटेगरीज हैं इन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना चाहते हैं, तो ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है इस ओर। हालांकि यहाँ पर एक बहुत सही बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है चेतन, सबसे सही और हेल्दी वे तो वही है कि आप हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें प्रॉपर, और अपने स्लीप पे ध्यान दें, सोने पर प्रॉपर आप हेल्दी वे में सोएं, साउंड स्लीप हो आपकी, जितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने आवर्स तक आप सोएं, ये सबसे हेल्दी वे है दुनिया में। मतलब वही है, जैसे हमारी बॉडी नेचुरली बनाई गई है, आप उसी की तरह वर्क करिए ना, उसकी साइकिल की तरह वर्क करिए। आप क्यों अपने को अंडर प्रेशर, अपने प्रेशर डाल रहे हैं बॉडी को, जो चीज बनी नहीं है जिस चीज के लिए उस चीज पे करवा रहे हैं। मतलब जस्ट कुछ आपको रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे आपको पुश करो अपने आप को इस तरीके से कि वो आपके लिए अनहेल्दी और अनहेल्दी रहे आपके लिए। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत डेंजरस चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल हमारी लाइफ का हिस्सा है। सभी धर्मों में हम देखेंगे कि व्रत लिए जाते हैं, और सब पहले शायद इसी रीजन से रखे जाते होंगे, इनका भी कुछ जो अब बना दिया है उसको, हाँ, वो उस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन जब इवॉल्व हो रहा था तो उसके पास हमेशा खाना ही नहीं होता था, हाँ, तो उसे भूखा भी रहना पड़ता था, तो बॉडी इस प्रकार से डेवलप हुई कि भूखे रहने पर वो रह सकती है। हाँ, लेकिन साइंस ने इतनी खोज की और देखा कि इस तरीके से भी इसकी चीजें हैं, इम्पैक्ट है ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, तो इसके इसलिए तो हर कोई वर्ग हमारा इसको फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं। सो मेरे डाउट्स ऑलमोस्ट सब कवर अप हो चुके हैं। आपके पास तीन तरीके हैं, या तो 16:8 करें, आप 16 घंटे आपको नहीं खाना है, आपको 8 घंटे का टाइम पीरियड है। दूसरा आपका 24 आवर्स साइकिल, जिसमें आपका क्या कहते हैं 24 आवर्स का खाना है, 24 आवर्स में जिस टाइम खा रहा है उसी नेक्स्ट टाइम 24 आवर्स में आपको खाना है। एक आपका थर्ड तर्ज, उसमें क्या कहते हैं आपका 600 कैलोरी समथिंग आपको लेस खा के आपको फिर रात को नहीं खाना है। इट्स ऑलमोस्ट अपनी बॉडी का जितना आपका BMR है उससे बहुत नीचे जाके आपको वो रखना है उसको। एंड सर, इसमें जैसे आपने एक दिन में आपको 12 आवर्स है मॉर्निंग से इवनिंग तक, उसमें 500 कैलोरीज उसने मॉर्निंग में ले ली। नाश्ता बहुत जरूरी है, जैसे आपको पता ही है, हम भी लोगों को कहते हैं कि आप नाश्ता कीजिए, भले ही आपका दिन का खाना मत खाइए, स्किप करिए, लेकिन इवनिंग स्नैक जरूर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने दिन की मील स्किप कर रखी है, देन आप शाम को लाइट खा सकते हैं, सोच समझ के क्या खाना है। तो इसमें क्या है कि आपने जो थर्ड वाला कहा है 500 टू 600 कैलोरीज लेनी है, देन आपको इवनिंग तक नहीं खाना है, फॉर माय, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस चीज को, देन उनको रात को क्या खाना है, कैसा खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है।
सर बिकॉज ये पॉसिबल नहीं हो देखो पाएगा। कभी भी जब हम पूरे दिन भर की कैलोरी की बात करते हैं, हमें जो कंज्यूम करनी है या हमें डेली के लिए रिक्वायर्ड है, तो उस समय हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर बराबर इंटरवल पे उनको बांट देते हैं। हमारे जो 3 से 4 मील होते हैं यूजुअली, अगर हम एक हाई एथलीट की बात ना करें, एथलीट तो क्या करता है वो 6 मील तक भी ले लेता है, 7 मील तक भी ले लेता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो 3 या 4 मील तक ले रहे होते हैं। तो जो मेजर मील है हमारे, मेन मील है, वो हमेशा 500 कैलोरी के आसपास टिक रहे होते हैं, 400, 500, 600 जो नॉर्मल डाइट में, और ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा होता है। लेकिन जब बात करते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट ले लें, तो उस समय वो 100 कैलोरी ज्यादा ऊपर जा रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा होगा। कि मान लिया कि दिन में हमने 500 लेनी है, तो हमने ब्रेकफास्ट के समय 600 कैलोरी ले ली। लेकिन अमूमन लोगों को ये लगता है कि ब्रेकफास्ट हैवी ले सकते हैं, तो वहां पर 3 पराठे 4 पराठे पेल के हपक के खा लिए उन्होंने। इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, बहुत कैलकुलेटेड लेना होता है। और भी हमेशा कैलोरी जो है 2000 डेली के हिसाब से ऑन एन एवरेज किसी भी व्यक्ति के लिए, हालांकि उसके कई सारे फैक्टर हैं, बॉडी वेट, आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, उसके अकॉर्डिंग वो सब वेरी करता है। और एक और चीज है सर, करके जरूरी नहीं कि अगर कोई हैवी वेट बंदा हो वो सिर्फ 500 कैलोरीज ले, क्योंकि उसके अलग, उसके लिए अलग उसको ज्यादा लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज एंड मास एवरीथिंग। हाँ, ये तो हमने जो बात की वो एक जनरल बात, जनरल टॉपिक में जनरल बात की, और हम तो फिर भी 500-600 कैलोरी की बात कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा कि ईट स्टॉप ईट वाला जो फॉर्मूला है, उसमें तो आप 2 दिन बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, ये तो बहुत टफ है। तो इसमें जो मोस्ट सूटेड है, वो मोस्ट पॉपुलर मेथड है, वो 16-8 वाला है। लोग जो है, अगर आप दुनिया में देखेंगे, जो फॉलो कर भी रहे हैं, वो 16-8 वाले मेथड को सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपके भी स्टूडेंट अब हमारी बातों को सुन करके, ऑफ कोर्स अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं क्या करना है करके। लेकिन सर वही चीज़ है, आपने एक्सपीरियंस सही से कर दिया है, 3 वो अभी हमें क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू जिसको जो कंफर्ट लगे, जिस जिसका टाइम शेड्यूल है, अपने अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल, वो फॉलो कर सकते हैं उसको, तीनों में से एक। कोई भी, तो हम कहते हैं कि आप सभी ने बिंदुओं को पकड़ लिया होगा, और अब आप इन चर्चाओं की मदद से क्या आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और चेतन के भी स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकते हैं। आप सभी को फिटनेस की शुभकामनाएं है।